बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे ये लेक्चर आपका रियल लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 का, और इस दफ़ा फेस टेस्ट में आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 इंक्लूडेड है बेटे। और चैप्टर 10 की बेटे आज हम रियल लेक्चर था, उसमें चैप्टर 10 एसेट बेसिस और सॉल्ट के बारे में बेटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेटे इंट्रोडक्शन, हम जो है जो भी टॉपिक बेटे मैं हाईलाइट करूंगा आपके सामने रिवाइज करूंगा, चाहे वो जो है बोलकर या उसको जो है उसकी इक्वेशन फॉर्म में लिखकर, तो मैं साथ साथ बेटे क्वेश्चन हाईलाइट करता जाऊंगा और मैक्सिमम मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा जो है बोलकर। तो आपने कोशिश करनी है कि बुक आपके सामने हो ताकि मैं जो भी बोल रहा हूँ आपने उसको जो है वो गो थ्रू करते जाना है, साथ साथ देखते जाना है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपका आपको स्कूल में जो है पढ़ाया गया और आपको जो है ऑनलाइन लेक्चर्स में भी पढ़ाया गया है, ठीक है। तो एक दम फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो बुक्स आप अपने सामने रखकर बेटे इसको देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे इस चैप्टर नंबर 10 जो कि एसिड बेसिस और साल्ट के मुताबिक होगा, तो इसके इंट्रोडक्शन पर हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन बेटे हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि कौन कौन से बेटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में उसने बताया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जाबिर बिन हयान फॉर द डिस्कवरी ऑफ एसिड्स। बेटे जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ एसिड कहा जाता है, इसने एसिटिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इनको डिस्कवर किया बेटे, ठीक है। उसके बाद बेटे इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चंस बनते हैं रोल ऑफ जाबिर बिन हयान और उसके बाद रोल ऑफ जो है लिवाइजर, लिवाइजर ने एसिड की डेफिनेशन दी, उसने कहा एसिड जो है वो जो है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन दे आर एसिड्स अकॉर्डिंग टू लिवाइजर। लिवाइजर ने कहा ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स जो है वो एसिड्स कहलाए जाते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स से क्या मतलब है बेटे, द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। तो बेटे ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड कहा लिवाइजर ने। इसी तरह बेटे फिर एक और क्वेश्चन है जो है रोल ऑफ सर हेम्फ्री डेवी। सर हेम्फ्री डेवी ने बेटे 1815 में उसने कहा कि हाइड्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर बेटे इस तरह रोल ऑफ जाबिर बिन हयान, रोल ऑफ लिवाइजर, रोल ऑफ सर हेम्फ्री डेवी, और फिर उसके बाद बेटे द वर्ड एसिड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड इज मीन सोर, जिसका मतलब है तुर्श बेटे, सोर तुर्श, ठीक है। उसके बाद बेटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया गया इंट्रोडक्शन में लास्ट लाइंस में कि द फर्स्ट नॉन एसिड वाज एसिटिक एसिड और उसका फार्मूला CH3C2H है। कहां से डिराइव हुआ, इट वाज डिराइव फ्रॉम द विनेगर, सिरका से इसको डिराइव किया गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के फॉरन नेक्स्ट पेज पे बेटे एसिडिटी के बारे में बता रहा है कि एसिडिटी जो है हमारे स्टॉमिक के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बास ऑफ सम टाइम बेटे इसकी कंसंट्रेशन हमारे स्टॉमिक में जो है वो बढ़ जाती है, तो इसकी अगर टू मच कंसंट्रेशन हो जाए तो इट काजेस एसिडिटी, एसिडिटी की वजह बनती है, ठीक है। और एसिडिटी को बेटे फिर न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, जो है अल्कलाइन मेडिसन यूज करके, ठीक है बेटे। अल्कलाइन मेडिसन में बेस होती है, वो बेस जाके इस एसिड को बेटे न्यूट्रलाइज कर देती है और इसको कन्वर्ट कर देती है हार्मलेस साल्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह एसिडिटी ऑफ स्टॉमिक जो है वो ट्रीट की जाती है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। एसिडिटी की डेफिनेशन आ जाती है और हाउ इट वाज ट्रीटेड और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। उसके बाद बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिस है, एक टेबल बनाया गया है एसिड और बेसिस का जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई है, ठीक है। वो 4 to 5 पॉइंट्स है बेटे। पहले पॉइंट में आपने ये बताना है कि उसका टेस्ट क्या है एसिड और बेसिस का। बेटे जो एसिड्स होते हैं दे हैव सॉल्ट टेस्ट और जो बेसिस होते हैं दे हैव बिटर टेस्ट, और बेसिस को जो है वो स्लिपरी इन नेचर होते हैं, उनको पकड़ने पर फिसलन महसूस होती है, ठीक है। जैसे बेटे सोप है ये बेस कंसीडर किया जाता है, जो बेटे एसिड्स हैं उनका सॉल्ट टेस्ट होता है, जैसे लिटमस फ्रूट्स हैं बेटे, अनरिपन जो है अनरिपन फ्रूट्स हो गए, लेमन लेमन जूस हो गए बेटे, ठीक है। उसके बाद बेटे ये इसका टेस्ट का या फर्स्ट पॉइंट भी हेडिंग, सेकंड पॉइंट भी हेडिंग बेटे है एलिमेंट लिटमस टेस्ट, एसिड और बेस का लिटमस टेस्ट है। बेटे जो एसिड्स हैं
वो ब्लू लिटमस को बेटे रेड में कन्वर्ट करते हैं और जो बेसिस है बेटे वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको समझाया था जो एसिड का फर्स्ट अल्फाबेट है वो ए से स्टार्ट होता है और जो ब्लू कलर का फर्स्ट अल्फाबेट है वो बी है। मैंने इट्स मीन एसिड ए जो है वो ब्लू लिटमस को बी को आर में कन्वर्ट करता है रेड में, ठीक है। इसी तरह इसका इन्वर्स कर दें जो बेस होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ये लिटमस टेस्ट है बेटे। थर्ड पॉइंट की हेडिंग बनेगी जो है उनकी नेचर। जो एसिड्स होते हैं बेटे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रॉसिव होते हैं, क्रॉसिव मीन एबिलिटी टू जो है 10 to 1 crore, जिसमें जिनको जंग लग सके या जो डीकम्पोजेबल, ठीक है, डीकम्पोज हो सके। तो एसिड्स कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रॉसिव होते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद जो बेसिस है बेटे वो नॉन क्रॉसिव इन नेचर है, एक्सेप्ट सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड NaOH बेटे, ये जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रॉसिव होते हैं, बाकी तमाम बेसिस जो है वो नॉन क्रॉसिव इन नेचर होते हैं, ये नेचर आ गए। उसके बाद बेटे लास्ट पॉइंट की हेडिंग है कंडक्टिविटी। एसिड और बेसिस दोनों एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है बेटे। और फिर लास्ट पे आपने खुद से प्लांट बनाना है एग्जांपल्स का, उसमें आपने एसिड और बेसिस की एग्जांपल्स लिखी है इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले टेबल में। एसिड की एग्जांपल में आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह की एग्जांपल, और बेस में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की एग्जांपल। उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाता है बेटे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद आ रही है इस बेटे आरहेनियस का कंसेप्ट, ठीक है बेटे। आरहेनियस ने 1787 में कंसेप्ट दिया, ठीक है, और इसने कहा एसिड्स दो सब्सटेंसेस व्हिच इन एक्वस सॉल्यूशन गिव द हाइड्रोजन, ठीक है बेटे, व्हेन दे डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन दे गिव द हाइड्रोजन बेटे। आरहेनियस के मुताबिक एसिड्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आएंगे। जैसे मैं आपको एक जनरल जो है इक्वेशन से समझाना चाह रहा हूं बेटे, HA है एक हमारे पास एक जो है हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, एक जनरल इक्वेशन लिखी है HA, ठीक है बेटे। जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो इट गिव द H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है बेटे। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है बेटे, they are the acids, ठीक है। इसी के साथ ही मैं आपको एग्जांपल से प्रूव कर दूं बेटे, जैसे हमारे पास HCl है, जब ये वाटर में बेटे डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, तो बेटे इससे दो किस्म के आयन बनेंगे, हाइड्रोजन आयन कैटायन प्लस क्लोराइड नेगेटिव आयन, ठीक है। तो हम इस सब्सटेंस को एसिड कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, क्यों, क्योंकि बेटे जब ये वाटर में डिसोसिएट हो रहा है तो H पॉजिटिव दे रहा है और साथ ही क्लोराइड आयन दे रहा है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, उसके बाद बेटे बेसिस को कैसे डिफाइन किया आरहेनियस ने, आरहेनियस के अकॉर्डिंग बेटे बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर गिव द हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है। मैं आपको जनरल इक्वेशन BOH से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटे, जैसे B जो है पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड थे और साथ ही बेटे जो है केटाइन बने होंगे, तो उन सब्सटेंसेस को हम जो है बेस कहते हैं जो हाइड्रोक्साइड है। मैं इसी की एग्जांपल बेटे प्रूव कर लूं, जैसे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH बेटे, जब ये वाटर में आयनाइज होगी तो इससे दो किस्म के आयन बनेंगे, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ आरहेनियस के मुताबिक एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर गिव द हाइड्रोजन एंड बेस आर those substances when they dissolve in water give the hydroxide, ठीक है। उसके बाद फिर बेटे examples दी गई है page number 22 पे बेटे, acid और basis का table बनाया गया है, उसमें कुछ examples दी गई हैं जो हमारे पास जो है familiar known जो हमारे पास famous acids हैं उनके नाम बताए गए और साथ में उनके formula बताए गए हैं, वो important है बेटे, ठीक है। जैसे नाइट्रेट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, इसी तरह बेसिस विच जो इंपॉर्टेंट बेस है जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इनके फार्मूले और नाम दिए गए, ये आप अच्छे तरीके से देख लें ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद बेटे लिमिटेशन है, आरहेनियस के कंसेप्ट को बेटे जो है वो निग्लेक्ट हो गया था, वो
वो अप्रूव नहीं हुआ, उसकी दो रीजन थी। एक तो ये कि बेटे आर यूरियस ने एक्वस मीडियम को ही डिफाइन किया था, ना एक्वस मीडियम में नेचर ऑफ एसिड और बेसिस को डिफाइन नहीं किया। ये फर्स्ट फॉल्स पॉइंट था आर्यस का। सेकंड पॉइंट बेटे, सेकंड पॉइंट ये था कि अकॉर्डिंग टू आर्यस कांसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रॉक्सिल आयन रेस्पेक्टिवली, बट देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव एबिलिटी टू गिव द एच पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव, बट दे आर एसिड एंड बेसिस लाइक अमोनिया बेटे। ये एक बेस है, इसके पास OH आयन देने की एबिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर एसिड्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये एसिड है, लेकिन इसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है। तो इस वजह से ये फास्ट पॉइंट थे, ये लिमिटेशन थी आर्यस के कंसेप्ट। शॉर्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ आर्यस कंसेप्ट, ठीक है बेटे। उसके बाद लोरी ब्रॉस्टेड का कंसेप्ट है या ब्रॉस्टेड लोरी का कंसेप्ट बेटे। ये दो केमिस्ट हैं, ब्रॉस्टेड लोरी, ठीक है। इन्होंने जो है कंसेप्ट दिया 1923 में, 1923 में, ठीक है। जो ब्रॉस्टेड है बेटे वो डेनिश केमिस्ट है और जो लोरी है वो इंग्लिश केमिस्ट है। 1923 में इन्होंने एसिड और बेसिस की नेचर को जो है एक्सप्लेन किया, उनको डिफाइन किया। तो अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉस्टेड बेटे, एसिड एंड बेसिस, व्हाट आर एसिड एंड बेसिस? एसिड लोरी ब्रॉस्टेड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट है, डोनेट H पॉजिटिव मीन प्रोटॉन, ठीक है। अब H पॉजिटिव को बेटे प्रोटॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है H पॉजिटिव के पास। अगर इसके हम सब एटॉमिक लेवल पर इसको स्टडी करें, इसके पार्टिकल लेवल पर स्टडी करें इस आयन को, तो इस H पॉजिटिव आयन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई न्यूट्रॉन है, इसलिए हम इसको इटसेल्फ H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। तो लोरी ब्रॉस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो व्हिच डोनेट द प्रोटॉन और बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के दरमियान और साथ ही इसमें इसके साथ वाटर के साथ, ठीक है, रिवर्सिबल टाइप में रिएक्शन होगा। अब इसमें जो है जो HCl है इट हैज ग्रेटर एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन, ये HCl प्रोटॉन वाटर को डोनेट करेगा। तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इट एक्ट एज एसिड और वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है एज अ बेस। तो ये प्रोडक्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। जब वाटर में एक प्रोटॉन ऐड होगा तो H3 को पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस पीछे हमारे पास रह जाएगा Cl नेगेटिव क्लोराइड, ठीक है। अच्छा जी, ये है बेटे लोरी ब्रॉस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का कंसेप्ट। वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करे एसिड और जो एक्सेप्ट प्रोटॉन करेंगे वो बेस कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम कंसेप्ट देख जो है व्हाट आर कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। अब मैं इसी इक्वेशन से आपको कंजुगेट एसिड और बेस को भी जो है एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटे। कंजुगेट एसिड बेटे, कंजुगेट एसिड द स्पीशी जो है ये कंजुगेट एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। अब द स्पीशी विच इज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन बाय अ बेस बेटे, जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी इट कन्वर्ट इनटू कंजुगेट एसिड। हमेशा ध्यान में रखिएगा बेटे, एक बेस हमेशा कंजुगेट एसिड बनाएगी और एक एसिड हमेशा कंजुगेट बेस बनाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, द सब्सटेंस द सीपीसी
which is formed by accepting the proton by a base. जब एक base proton accept करेगी, conjugate base set बनेगा. और conjugate base, the CPC which is formed by donating the proton by an acid. जब एक acid proton donate करता है, तो उससे फिर जो CPC बनती है, that is a conjugate base. Is it clear? उसके बाद last में फिर amphoteric compounds है, बेटे पढ़ा रहा amphoteric compounds. Those substances which act as acid as well as bases, they are the amphoteric compounds. उसके example में आप कोड कर सकते हैं amphoteric. Amphoteric compounds या substances में आप examples कोड कर सकते हैं बेटे. आपके पास water हो गया, ठीक है. Hydrogen sulfide HS और उसके अलावा जो है bicarbonate HCO3-1, ठीक है. इसी तरह bisulfate HSO4-1. These species are the amphoteric compounds. Amphoteric compounds. इनके पास दोनों ability हैं. As a acid भी work कर सकते हो, as a base भी काम कर सकते हो. ठीक है, तो दो substances which act as acid as well as base, they are the amphoteric compounds. और फिर आप किसी एक example को prove भी करेंगे how it act as acid as well as base. देखिए water का जब आप hydrochloric acid के साथ ये reaction लिखा होगा, जब water hydrochloric acid के साथ react करेगा, तो ये as a base काम करेगा. यहाँ पे as a base act करेगा. और इसी पार्ट का जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे वाटर अमोनिया को प्रोटॉन डोनेट करता है. तो अमोनिया के केस में वाटर एज अ एसिड काम करता है. इज इट क्लियर? उसके बाद लिमिटेशंस हैं क्लोरीप्लास्टिड की. इनकी लिमिटेशंस अकॉर्डिंग टू क्लोरीप्लास्टिड, इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया व्हिच डोनेट द एच पॉजिटिव आयन एंड व्हिच डोनेट द प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट द प्रोटॉन. दोस स्पीशीज आर एसिड एंड बेसेस, बट देयर आर सम कंपाउंड्स which do not have ability to donate the proton as well as accept the proton, but they are acid and bases. For example, बेटे जैसे है calcium oxide, quicklime, CaO, ये बेटे base है, but it do not have ability to accept the proton. Proton accept करने की इसके पास ability नहीं है, लेकिन ये as a base काम कर रही है, CaO, ठीक है. इसी तरह जो है बेटे carbon dioxide है, और उसके अलावा जो है बेटे सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये बेटे एसिड्स हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन. प्रोटॉन डोनेट करने के इनके पास एबिलिटी नहीं है, बट दे आर एसिड्स. ये है लिमिटेशंस ऑफ क्लोरीप्लास्टिड. देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन एज वेल एज एक्सेप्ट द प्रोटॉन, बट दे आर द एसिड एंड बेसिस इन देयर नेचर. ठीक है, उसमें आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो गया, ठीक है, ये बेस है. इसी तरह जो है SO3 एंड CO2, दे आर द एसिड्स. ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बेटे टॉपिक हमारे पास लेविस का कांसेप्ट. ठीक है, 1923 में जीएन लेविस अमेरिकन केमिस्ट है, इसने एसिड और बेसिस की नेचर को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस. अभी तक हमने दो कांसेप्ट पढ़े, आर्हेनियस का कांसेप्ट और क्लोरीप्लास्टिड का कांसेप्ट. उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन. उन्होंने प्रोटॉन जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी बेस पर अपने आइडियाज और अपने कांसेप्ट दिए. लेकिन लेविस ने अपना कांसेप्ट दिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब लेविस के अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस की क्या डेफिनेशंस हैं? लेविस के अकॉर्डिंग बेटे एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बेसिस दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि लेविस के अकॉर्डिंग एसिड जो है, लेविस कांसेप्ट बेटे, लेविस के अकॉर्डिंग बेटे जो एसिड है वो दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन ये एज अ एक्सेप्टर काम करता है, ठीक है, किसके हवाले से? इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से, ठीक है. और जो बेस है दे एक्ट एज अ डोनर, ये डोनर के तौर पर बेटे काम करेंगे, किसके हवाले से? इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से, अकॉर्डिंग टू लेविस कांसेप्ट, ठीक है. एक जो है हम एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं. जैसे हमारा रिएक्शन है जी, हमारे बुक में भी हमारे सिलेबस में गिवन है, ब्रोम ट्राइफ्लोराइड के दरमियान और अमोनियम के दरमियान, ठीक है बेटे. अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है. लोन पेयर बेटे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, अच्छा जी. अब अमोनिया जो है, इसका जो नाइट्रोजन है, इट हैज एबिलिटी टू डोनेट द दिस लोन पेयर. ये लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, इसी वजह से अमोनिया एज अ बेस एक्ट करती है.
हम इसको बेस मूल्य को क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज अ बेस. और BF3 एक्ट एज अ एसिड बिकॉज इट हैज अ मैग्नेटिक टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये यहां एज अ एसिड काम कर रहा है BF3, ब्रोन ट्राइब्रोमाइड. ठीक है, एक्चुअली इस BF3 में जो ब्रोन एटम है ना, इसके पास बेटे 6 इलेक्ट्रॉन है. इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑफ. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अमोनिया इसको डोनेट कर देगा. तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगी बेटे BF3 एरो NH3. ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम बेटे एडक्ट कहते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस कांसेप्ट बेटे व्हाट इज एडक्ट? अकॉर्डिंग टू लेविस इज अ बेस कांसेप्ट. द प्रोडक्ट इज अ सिंगल सिचुएशन व्हिच इज कॉल्ड एडक्ट. लेविस एसिड बेस कांसेप्ट में उसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो सिंगल सिचुएशन होती है, इसको हम एडक्ट कहते हैं. ठीक है बेटे, ये जो स्मॉल एरो है ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो हेड है बेटे ये टुवर्ड द एक्सेप्टर है, और उसकी जो टेल है इट रिप्रेजेंट द डोनर. यानी कि अमोनिया यहां एज अ डोनर काम कर रहा है और BF3 एज अ एक्सेप्टर काम कर रहा है. ठीक है, उसके बाद फिर बेटे एग्जांपल्स है लेविस के कांसेप्ट की, लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस. ठीक है, लेविस एसिड्स के हम एग्जांपल्स देते हैं, जैसे बेटे जिनके जो सेंट्रल एटम्स है, सेंट्रल मेटल है इनकी, वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो एज अ लेविस एसिड जो है काम करेंगे. एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल्स लेविस एसिड की, उसमें फर्स्ट कह रहा है कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जैसे बेटे BF3 है, इस तरह AlCl3 है बेटे, FeCl3 है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सेंट्रल जो एटम है दे आर द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ वैलेंस टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर द लेविस एसिड्स. इसी तरह बेटे जो सिंपल केटाइंस हैं, सिंपल केटाइंस, ठीक है बेटे, सिंपल केटाइन, दे एक्ट एज अ लेविस एसिड. व्हाई? बिकॉज़ दे आर द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैव अ वैलेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे बेटे एच पॉजिटिव है, एन ए पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, ए जी पॉजिटिव है, आर जी एम है, के टी सी, दीज आर द लेविस एसिड. ठीक है, इसी तरह बेटे लेविस बेस की एग्जांपल्स, लेविस बेस, व्हिच सब्सटेंसेस एक्ट एज अ लेविस बेस बेटे, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव नो पेयर दे एक्ट एज अ लेविस बेस. जैसे बेटे अल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जैसे हमारे पास जो है वाटर है, ठीक है, इसी तरह बेटे हमारे पास अमोनिया है, ये एज अ लेविस बेस काम करेंगे. व्हाई? बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव द लोन पेयर्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके एटम्स पर लोन पेयर होंगे तो वो लेविस बेस के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली उनको डोनेट कर देंगे. इसी तरह बेटे जो सिंपल एनायंस हैं, नेगेटिव आयन, ठीक है, they act as a lewis base. Why? Because they have ability to donate the pair of electrons. That's why they are the lewis base. For example, Cl negative, F negative, OH negative, hydroxyline, CN negative, cyanide, etc. Is it clear, बेटे? ये था बेटे introduction और concepts of acid and bases जो हमारे syllabus में शामिल हैं, Arrhenius, Lorentzian और lewis concept. ठीक है बेटे? उसके बाद बेटे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी एसिड पे डिस्कस कर चुके हैं, वो जो हमारे पास जो है टेबल बनाया गया है स्टार्ट में. उसके बाद अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आपको पता है व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में बेटे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एक्चुअली उसके केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं बेटे. फाइव किस्म के हमारे पास रिएक्शंस डिस्कस किए गए हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में. फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन किया गया है.
और उसके अलावा जो है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन बेटे, कार्बोनेट्स CO3-2, ये कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट आयन है ठीक है। तो कार्बोनेट दो सब्सटेंसेस हैं बेटे, कार्बोनेट आयन दे आर कार्बोनेट्स। इसी तरह बेटे बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स बेटे HCO3-1, द सब्सटेंसेस हैविंग द बाइकार्बोनेट आयन दे आर बाइकार्बोनेट्स ठीक है। और तीसरा जो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मेंशन है वो है जी रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन दिए गए हैं, इस रिएक्शन को बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है। और फोर्थ रिएक्शन जो दिया गया है रिएक्शन विद बेटे सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड ठीक है बेटे, सल्फाइड, सल्फाइड भी SO3-2 सल्फाइड है और बाइसल्फाइड है, ये साथ साथ में कि आयनिक स्टेट लेकर आऊं आपको एक पता होना चाहिए HSO3-1 बाइसल्फाइड ठीक है। इसी तरह बेटे फिफ्थ जो टाइप ऑफ रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में डिस्कस की गई है वो रिएक्शन विद सल्फाइड्स ठीक है, सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन, सल्फाइड में एस सल्फर की जो वैलेंसी है -2 S-2 सल्फाइड्स ये ठीक है। अच्छा जी ये पांच किस्म के बेटे रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में डिस्कस किए गए ठीक है। अब हमने वन बाय वन इनको जो है गो थ्रू करते जाना है। रिएक्शन विद मेटल बेटे जो मेटल्स हैं उनके पास एबिलिटी है कि वो जो है जो एसिड्स हैं उनके उनकी जो हाइड्रोजन है उनके हाइड्रोजन आयन है उनको वहां से रिप्लेस कर देती है मेटल, और उनका जो एनायनिक पार्ट होगा जो एनायंस होंगे उस एसिड के उन एनायंस को ये मेटल अपने साथ मिलाकर साल्ट बना देगी और उसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी। ये पहचान है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल की कि जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस की बात होती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूं, ये हमारे पास मेटल है सी ट्रांजिशन मेटल है ठीक है, प्लस हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास रिएक्शन। अब हम इसकी वैलेंसी से आयनिक स्टेट से हम एग्जांपल को प्रूव कर रहे हैं। अब जिंक की वैलेंसी बेटे +2 होती है, अब हाइड्रोजन की +1 है और क्लोरीन की -1 ठीक है। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये जिंक जो है ये क्लोरीन के साथ मिलकर ZnCl2 बना देगा। आपको पता है कि जब भी हम कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उन आयंस की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है, इसलिए जिंक की वैलेंसी यहां चली जाएगी और क्लोराइड आएगी वहां। अब प्रोडक्ट में हमारे पास ZnCl2 है, इसमें क्लोरीन के दो एटम है और रिएक्टेंट में हमने एक ही क्लोरीन लिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटे हम यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2Nc, और हमारे पास प्रोडक्ट ZnCl2 और प्लस जो है H2, यहां से हाइड्रोजन गैस ये इन्वॉल्व हो गई ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक मेटल जब एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो एक साल्ट में पास हाइड्रोजन गैस वहां से इन्वॉल्व हो रिलीज हो रही है ठीक है, ये इस रिएक्शन की पहचान है। सेकंड है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ देखिए आवाज आ रही है इसके तरफ से, अब गौर करें कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCl3, अब इसका हम रिएक्शन करेंगे HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या होगा एक्सचेंज ऑफ आयन, ये कैल्शियम आयन जो है बेटे क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये बना देंगे CaCl2 ठीक है। तो यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस बेटे ये 2H हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन O और यहां से 2H, ये मिलकर बेटे बना देंगे H2O प्लस पीछे जाएगा गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है। यही समझाना चाह रहा हूं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं या एसिड इनके साथ रिएक्शन रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास साल्ट बनेगा और वाटर और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात होगी ठीक है, ये रिएक्शन के साथ। उसके बाद बेटे बेस के साथ रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं
ठीक है, एक साथ में और प्लस वाटर बनता है इसमें। जैसे हमारे पास कौन बेस है बेटे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब इसका रिएक्शन में HCl के साथ होगा, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया बेटे, ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बेटे NaCl साल्ट बना देगा और प्लस ये H और OH ये मिलकर H2O बना देंगे। ठीक है बेटे, आप देख रहे हैं कि जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो बेटे साल्ट और वाटर बन रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद है बेटे सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। बेटे जब एसिड सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे रिलीज होगी, इवॉल्व होगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, रिएक्शन है जी बेटे सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड है बेटे CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, इसका रिएक्शन जो है HCl के साथ हम इसका रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखिए कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलकर बेटे CaCl2 एक साल्ट बना देगा OHCl प्लस, यहाँ से दो हाइड्रोजन बेटे यहाँ से ऑक्सीजन लेकर H2O बना देंगे और प्लस पीछे रह जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये इस रिएक्शन की पहचान है सल्फाइड और बाइसल्फाइड के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व होगी। और सल्फाइड्स बेटे ये वैलेंट कंपाउंड्स हैं सल्फर के, ठीक है, जिसमें एक सल्फर होगा और साथ ही कोई मेटल हो सकता है, यानी कि इनको कहते हैं हम पैरा सल्फाइड। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटे FeS पैरा सल्फाइड, ठीक है, FeS पैरा सल्फाइड, ठीक है, अगर इसमें हम इनको आयन स्टेट दें तो आयन की वजह से यहां प्लस हो गया सल्फर की वैलेंस हो गया। जब इसके साथ कोई भी एसिड आकर रिएक्ट करेगा मसलन हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन H2SO4 का रिएक्शन दे देते हैं, होगा क्या बेटे ये आयनाइज सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ये बना देंगे FeSO4 पैरा सल्फेट, ठीक है, सॉल्ट है, ठीक है, और पीछे हाइड्रोजन और ये सल्फर मिलकर ये बना देंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। तो बेटे सल्फाइड के साथ जब कोई एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है H2S। ठीक है, ये है बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें हमने ये 5 रिएक्शन देखे हैं, ठीक है, इनको हमने एक्सप्लेन करना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसका हर रिएक्शन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट या रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये अच्छे तरीके से देख लिया। नेक्स्ट है बेटे क्या उसके यूजेस ऑफ एसिड्स। बेटे एसिड्स के यूजेस दिए गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इनके आपको फार्मूले भी बताए गए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है बेटे, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, पेंट्स में, डाइज में, एक्सप्लोसिव्स में, और वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज ये है कि ये लेड स्टोरेज बैटरी में जो है एज इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड की फर्टिलाइजर्स में यूज होता है नाइट्रिक एसिड, और उससे जो है जो फर्टिलाइजर बनती है वो अमोनियम नाइट्रेट है, आपको पता है NH4NO3 इसका फार्मूला है। ये भी एक्सप्लोसिव डाइज पेंट्स वगैरह में जो है नाइट्रिक एसिड यूज होता है, और इसका इंपॉर्टेंट यूज एमसीक्यूज और यूज कंसिडर करते हैं वो कॉपर प्लेट्स पर एचिंग डिजाइन वगैरह कॉपर प्लेट पर ड्रॉ करने के लिए हम इस एसिड को यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl इसका फार्मूला है बेटे, इसके तीन ही मेन फंक्शंस हैं, ये जो है टैनिंग प्रोसेस पे यूज होता है, मेटल क्लीनिंग द मेटल्स मेटल्स को साफ करने के लिए, और उसके अलावा जो है ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, टैनिंग प्रोसेस बेटे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनिमल स्किन इनटू लेदर, ठीक है, चमड़े में एनिमल स्किन को जो तब्दील किया जाता है उसको टैनिंग प्रोसेस किया कहा जाता है, उसमें ये एसिड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बेंजोइक एसिड है। ठीक है बेटे, बेंजोइक एसिड जो है जब बेंजीन जो है बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच हो जाए तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है, C7H6O2 इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में बेंजोइक एसिड। उसके अलावा एसिटिक एसिड है CL3COOH बेटे, ये यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में और फ्लेवरिंग ऑफ फूड खुराक को जायका देने के लिए। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट यूज इसका है टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्ट मकड़ी के डंक के इलाज के लिए हम इस एसिटिक एसिड को यूज करते हैं बेटे। इसी पेज पर 29 पेज पर ऑर्गेनिक एसिड दिए गए हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिया था ऑर्गेनिक एसिड, और उनके सोर्सेज बता रहे हैं बेटे, यहाँ पर तकरीबन 7-8 ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेज बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और पिछले पेज पर 28 पर बेटे मिनरल एसिड का तस्करा किया गया है, मिनरल एसिड तो मिनरल से डिराइव किए गए हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो कि वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव थे,
ठीक है, ये मिनरल एसिड्स हैं जैसे HS, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3HCl, इनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में भी हमने रिएक्शन बेसिस के एक्सप्लेन करने हैं, और इसमें तीन किस्म के रिएक्शन जो है दिए गए हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, और आपको पता है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और रिएक्शन ऑफ बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट, जिसमें अमोनिया गैस से बनने वाले जो सॉल्ट हैं, अमोनियम क्लोराइड्स, अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव, जब इसके साथ कोई इनायन आकर जुड़ेगा तो ये अमोनियम सॉल्ट बन जाएंगे, जैसे इसकी एग्जांपल है बेटे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसी तरह बेटे अमोनियम सल्फेट है NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट, तो बेटे ये अमोनियम आयन के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट के साथ बेस का रिएक्शन जब होगा तो इसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व होगी, अमोनिया गैस NH3, ये इस रिएक्शन की पहचान है कि जब बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगी तो अमोनिया गैस रिलीज होगी। ठीक है, और थर्ड जो इसका रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल, जो हैवी मेटल्स हैं जैसे हमारे पास कॉपर है, जिंक है, आयरन है बेटे, ये हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, इनके सॉल्ट्स के साथ जब हम बेसिस का रिएक्शन कराते हैं तो इनसॉल्युबल हेटरोऑक्साइड यहां से प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइज होंगे इनसॉल्युबल हेटरोऑक्साइड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और वो जो इनसॉल्युबल हेटरोऑक्साइड जो सब्सटेंस यहां प्रेसिपिटेट होगा, जो क्रिस्टलाइज होगा, हम उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, आपको प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेट की डेफिनेशंस दिखाई गई हैं, और यहां पे ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शन दिया गया है, 5 to 6 रिएक्शंस हैं, जिंक मेटल का, जिंक मेटल जो है इसका साल्ट सॉल्यूशन के साथ है, कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन के साथ, आयरन के साल्ट सॉल्यूशन के साथ, कैल्शियम के साल्ट सॉल्यूशन के साथ जो है बेसिस का रिएक्शन दिया गया है। ये है जी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल। ठीक है, और इसमें इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होंगे। ओके बेटे, उसके बाद है बेटे यूजेस ऑफ बेसिस। बेटे यूजेस ऑफ बेसिस में जो है आपने इसको एक बोलो तो इसको आपने गो थ्रू करना है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको फार्मूले भी लिखवाए गए हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपको पता है सोप इंडस्ट्री में यूज की जाती है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, बेटे ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में यूज होती है, सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ वाटर में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फार्मूला इसका KOH है, इसको हम अल्कलाइन बैटरीज में यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2, बेटे इसको हम एसिडिटीज, हमारे स्टॉमिक की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेस यूज होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा बेटे इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है इसका इंपॉर्टेंट, कि इसका जो इस्तेमाल है बीस टेंस, जो शहद की मक्खी का डंग है, बीस टेंस है, उसके इलाज के लिए हम इसी अल्कलाइन को, इसी बेस को यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसके बाद बेटे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH3। ठीक है, और ये यूज होती है फोमिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, फायर एक्सटेंशन में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये यूज होती है जी क्लॉथ्स में से, कपड़ों में से जो है धब्बों को, स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। ठीक है बेटे, ये था जी आपका टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटे पीएच स्केल बेटे द लॉगरिथम स्केल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट इज द पीएच स्केल। ठीक है, व्हाट इज द बेस ऑफ पीएच स्केल, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ प्योर वाटर इज द बेस ऑफ पीएच स्केल, इज इट क्लियर। व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन, बेटे जो वाटर है इटसेल्फ इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज़ इट हैज अ स्मॉल एक्सटेंट टू आयनाइज, बेटे इसकी आयनाइज होने की जो पावर है वो बड़ी जो है वीक है, तो हम इसको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं सेल्फ जो है आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है बेटे, उसके बाद है जो है आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर को डिफाइन किया गया है, उसकी डेरिवेशन दी गई है आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की। बेटे वाटर की जो आयनाइजिंग जो उसकी इक्वेशन है, वाटर की अपने आयंस में जो है डिकम्पोज होने की इक्वेशन, बेटे वो आपके सामने लिखता हूं,
वाटर की आयनाइज होने की इक्वेशन बेटे H2O वाटर जब आयनाइज होगा तो इससे दो की संख्याएं बनेंगी बेटे H1 और प्लस इससे हाइड्रोक्साइड OH बनेगा ठीक है बेटे ठीक है अच्छा उसके बाद बेटे pH क्या है जो इस pH बेटे द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज द pH ठीक है बेटे जो p है वर्ड जो सिंपल p यूज किया गया अल्फाबेट p इट रिप्रेजेंट द नेगेटिव लॉगरिथम ठीक है और आगे जो h है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है तो जिसमें अल्फाबेट p है इट रिप्रेजेंट द नेगेटिव लॉगरिथम ओके बेटे उसके बाद है बेटे pOH जैसे pH है बेटे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इसी तरह pH होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन pOH ठीक है बेटे डिफरेंस पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन pH एंड pOH द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज बाय pH और द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज द pOH ठीक है बेटे pH और pOH का जो स्केल है बेटे वो 0 से 14 तक लाई करता है ठीक है स्केल इसका 0 से 14 तक लाई करता है बेटे बेटे जो pH और pOH स्केल है वो 0 टू 14 तक इनकी वैल्यू होती है बेटे 0 से 7 तक जो वैल्यूज हैं इट रिप्रेजेंट द एसिडिक नेचर बेटे ये एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है और 7 अगर किसी मॉलिक्यूल की बेटे pH 7 होगी तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा ठीक है बेटे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जैसे बेटे वाटर है हमारे पास H2O वाटर इसी तरह सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो सॉल्ट है ये दो स्पीशीज ऐसी है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है इनकी pH बेटे 7 होती है और जैसे pH बेटे 7 से अबव जो है बढ़ेगी अबव जो है 7 से 14 तक लाई करेगी तो वो स्पीशीज बेटे बेस होगी वो बेस कहलाएगी ठीक है बेटे और एक और चीज बेटे जैसे 7 से pH बढ़ती जाएगी और वो बेस की जो है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बढ़ती जाएगी अगर pH 8 9 होगी तो वीक बेस होगी और जैसे 13 14 तक भी जो pH वैल्यू लाई करेगी तो वो स्ट्रांग बेस कंसीडर होगी इस तरह बेटे अगर एसिडिक की हम जो है अगर उसकी जो है स्ट्रेंथ देखें तो 7 के करीब करीब अगर pH 6 होगी 5 होगी तो वो वीक एसिड होगी अगर pH जो है 2 3 4 होगी तो वो स्ट्रांग एसिड कंसीडर किया जाएगा ठीक है बेटे ये pH स्केल है जो 0 टू 14 तक लाइक है ठीक है बेटे और जो pH और pOH की जो बेटे यहां पे pH प्लस pOH दोनों की जो बेटे वैल्यू है वो 14 है ठीक है इसमें एक्चुअली pH की जो वैल्यू है वो 7 है और प्लस pOH की वैल्यू भी बेटे 7 होती है और ये प्लस 14 हो जाती है ये एमसीक्यूज है कि pH और pOH की वैल्यू जो है इक्वल टू 14 होती है और pH की कंसंट्रेशन 7 है pOH की भी 7 होती है हम जो है इस वाटर की जो कांस्टेंट वाटर है हमारे पास जो है जिसको हम kW कहते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटे व्हाट इज कॉल्ड kW बेटे इसको आयनाइजिंग कांस्टेंट कहते हैं ठीक है डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं ठीक है इन दोनों वर्ड है द आयनाइजिंग कांस्टेंट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज अप kW या आपके बुक में वर्ड यूज किया गया आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज बाय kW ठीक है बेटे उसके बाद है जी इसकी pH को मेजर करने के लिए जो है बेटे यूजेस ऑफ pH है पेज नंबर 34 पे यूजेस ऑफ pH वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ pH का ठीक है बेटे ये जो है नेचर ऑफ सॉल्यूशन को जो है मेजर करने के लिए हम pH को यूज करते हैं और उसके अलावा जो pH है ये मेडिसिंस वगैरह को बनाने के लिए भी हम pH की जरूरत पड़ती है हमें ठीक है और उसके अलावा जो है हम अपनी मर्जी का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं मसलन को बेसिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन तो हम pH को मद्देनजर रखते हुए सॉल्यूशन बनाते हैं ठीक है ये यूज ऑफ pH है उसके अलावा बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 35 पे इंडिकेटर्स का ठीक है व्हाट आर इंडिकेटर बेटे दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है व्हिच गिव द डिफरेंट कलर इन जो है एट डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर एग्जिट जो है शो करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो हम इंडिकेटर्स कहते हैं हमारे सिलेबस में तीन किस्म के इंडिकेटर बेटे यूज किए गए लिटमस पेपर यूज किया गया उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थालीन ठीक है बेटे जो हमारे पास लिटमस पेपर है बेटे ये एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है बेटे वो रेड होता है ठीक है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होगा जो है लिटमस पेपर का वो ब्लू होगा ठीक है बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ब्लू होता है और एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर रेड होता है और किस pH पर ये अपना जो है कलर चेंज करता है 7 pH पर
ठीक है, 7 से कम इसका कलर जो है वो रेड होगा और 7 से अबव इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक और मिथाइल ऑरेंज हम एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, उस मिथाइल ऑरेंज वो पीएच 4 पर अपना कलर तब्दील करता है, एट पीएच 4 पर वो अपना कलर तब्दील करेगा। पीएच 4 से कम उसका जो कलर होगा वो रेड होगा और पीएच 4 से अबव जो उसका कलर होगा वो येलो होगा, मिथाइल ऑरेंज का। इसी तरह जो हमारा थर्ड इंडिकेटर यूज किया गया है वो फिनाफ्थलीन यूज किया गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनाफ्थलीन, ठीक है। इस फिनाफ्थलीन का पीएच 9 तक कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है फिनाफ्थलीन पीएच 9 का, और जैसे पीएच 9 से ग्रेटर होगी तो फिनाफ्थलीन का कलर हो जाएगा रेड, क्या हो जाएगा रेड। तो इट्स मीन एसिडिक सॉल्यूशन में जो फिनाफ्थलीन है ये कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है बेटे। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। What are the indicators? Give some examples. कुछ example पूछ सकते हैं और फिर ये जो table दिया गया है indicators का कि किस pH पर ये indicator अपना color तब्दील करते हैं और इनका acidic basic solution में color क्या होता है, important objective है, ठीक है बेटे, इसको last में देखिएगा। उसके बाद बेटे pH measure करने के लिए कुछ method बताए गए हैं और दो ही important method हमारे syllabus पर discuss किए गए हैं, universal indicator और pH meter का। Universal indicator में बेटे actually यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, विच गिव द डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक मिक्सचर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि डिफरेंट कलर शो कर रहे होते हैं डिफरेंट पीएच के। जब हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है। और पीएच जो मीटर है हमारा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड पर कंसिस्ट होता है, जब वो इलेक्ट्रोड हम सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस पर जो है उसके वैल्यू शो हो जाएगी उसके डिजिटल मीटर पर या उसके ग्राफ पर। ये पीएच मीटर जो है हाउ इट इज यूज्ड टू मेजर द पीएच सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, व्हाट आर सॉल्ट। सॉल्ट एक्चुअली दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर फॉर्मड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। बेटे जब एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड सॉल्ट आते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल में लेकर हूं बेटे, हमारे पास ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का बेटे जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, NaCl बनेगा बेटे सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है बेटे, ठीक है। और प्लस इसके साथ HOOH मिलकर बेटे H2O बना देंगे, ये बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaOH न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटे। तो यही कह रहा हूं कि सॉल्ट का आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। एंड बेटे सॉल्ट्स हैव केटायन एज वेल एज एनायन, सॉल्ट के अंदर केटायन और एनायन दोनों शामिल होते हैं बेटे। सॉल्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। बेटे यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। बेटे बेसिक रेडिकल में जो मेटैलिक आयन है बेटे जो केटायन है दे डिराइव फ्रॉम द बेस, दे आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल, ठीक है बेटे। जो हमारे जैसे हमारे पास बेटे NaOH, अगर हम इसी को बेटे डिसोसिएट करें आयनाइज करें तो इससे सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन आ सकता है। ये जो सोडियम आयन है केटायन है मेटैलिक आयन है, इट इज अ बेसिक रेडिकल। व्हाई? बिकॉज़ इट डिराइव फ्रॉम द बेस, क्योंकि ये बेस से डिराइव है। इसी तरह बेटे जो एसिडिक रेडिकल होते हैं, एसिडिक रेडिकल में जो एनायन होते हैं दे डिराइव फ्रॉम द एसिड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ठीक है बेटे। आप जैसे HCl HCl, ठीक है, इसको अगर हम आयनाइज करें H पॉजिटिव बनेगा प्लस क्लोराइड HCl है। ये जो एनायन है एनायन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक बेटे, इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। और ये जो केटायन है इनको बेसिक रेडिकल कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेस से डिराइव होते हैं और ये एसिड से डिराइव होते हैं। ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ सॉल्ट्स आर नेम, सॉल्ट को नाम कैसे दिया जाता है। बेटे सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड एसिड, कि बेटे जो एसिड और मेटल का आपस में रिएक्शन होगा उस मेटल और एसिड के बेस पर हम उस सॉल्ट को नाम देते हैं। जैसे बेटे सोडियम और आपको एग्जांपल देता हूं और एक एसिड HCl का रिएक्शन कराएगा उससे जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl, ठीक है। तो बेटे सॉल्ट को नाम दिया जाता है मेटल की बेस पे और उस एसिड की बेस पे जिसके साथ वो मेटल रिएक्ट करेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेटे सॉल्ट है,
मिडिल 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई आपके सिलेबस में साल्ट की कि दे आर द आयनिक कंपाउंड्स साल्ट्स बेटे आयनिक कंपाउंड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ठीक है बेटे और उसके अलावा जो है इनके मैग्नेटिक कंपोनेंट पॉइंट्स हाई होते हैं आयनिक जो है साल्ट्स साल्ट्स के बेटे ये मैग्नेटिक कंपोनेंट पॉइंट हाई होते हैं क्यों क्योंकि बेटे ये आयनिक बॉन्ड रखते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इसी वजह से इनके मैग्नेटिक कंपोनेंट पॉइंट हाई होते हैं उसके अलावा बेटे दे हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो इसकी ज्योमेट्री को जो है डिटरमाइन करते हैं व्हिच गिव द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ क्रिस्टल जो उस क्रिस्टल्स की शेप ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करेंगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें मौजूद होते हैं ठीक है बेटे और इन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो बेटे जो इनकी कंसंट्रेशन होती है वो स्पेसिफिक होती है जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है उसके बाद लास्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक है कि जो साल्ट्स होते हैं दे आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स हम इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है वेयर साल्ट्स आर न्यूट्रल बेटे साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड बिकॉज़ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस आल्दो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस अगर उनके अंदर जो आयंस होंगे वो डिफरेंट हो लेकिन उनके जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं इसी वजह से हम इन साल्ट्स को न्यूट्रल कंपाउंड कंसीडर ठीक है बेटे उसके बाद बेटे प्रिपरेशन है साल्ट्स की बेटे जो है यहाँ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के 5 जनरल मेथड डिस्कस किए गए उनमें जो 4 मेथड्स हैं बेटे वो सॉल्युबल साल्ट्स की जो है सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन के हवाले से हैं और एक मेथड जो है इनसॉल्युबल साल्ट्स की जो है प्रिपरेशन के हवाले से ठीक है बेटे सॉल्युबल साल्ट्स क्या बेटे साल्ट्स की दोनों नेचर है दे आर सॉल्युबल एज वेल एज इनसॉल्युबल सॉल्युबल भी होते हैं इनसॉल्युबल भी होते हैं जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं बेटे उनको हम रिकवर कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से और एवेपोरेशन से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ सॉल्युबल साल्ट्स आर रिकवर्ड दे आर रिकवर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन और एवेपोरेशन ठीक है और जो है 5 मेथड्स में बेटे 4 जो मेथड है जैसे मैंने कहा सॉल्युबल साल्ट्स के लिए उनमें एक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जिसमें मेटल और एसिड का रिएक्शन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पहला मेथड है सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड न्यूट्रलाइजेशन मेथड जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे थर्ड मेथड है बेटे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन ठीक है थर्ड रिएक्शन ठीक है उसमें मेटालिक ऑक्साइड बेटे एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है साल्ट बना देंगे और प्लस वाटर बनाएंगे और फोर्थ रिएक्शन है बेटे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में भी पढ़ चुके हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इस रिएक्शन की पहचान क्या होगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस वाटर बनेगा और प्लस ये प्रोडक्ट की पहचान है और लास्ट रिएक्शन है इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन इसमें बेटे दो सॉल्युबल साल्ट्स को आपस में मिक्स किया जाता है ठीक है और उन दो सॉल्युबल साल्ट्स की मिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास एक इनसॉल्युबल साल्ट हासिल होता है और एक सॉल्युबल साल्ट हासिल होता है जैसे आपकी बुक में बेटे एग्जांपल दी गई है सिल्वर नाइट्रेट HNO3 और सोडियम क्लोराइड और हमारे पास प्रोडक्ट जब ये दो सॉल्युबल साल्ट्स को हम आपस में मिक्स करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे और उनसे जो प्रोडक्ट बनेगी एक सॉल्युबल साल्ट होगा और एक इनसॉल्युबल होगा जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को हम आपस में ये दोनों सॉल्युबल साल्ट्स इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास हासिल होता है जी सिल्वर क्लोराइड HCl और प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 अब जो सिल्वर क्लोराइड है HCl बेटे ये इनसॉल्युबल साल्ट है ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा ठीक है और जो हमारे पास जो सॉल्युबल साल्ट्स है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा जैसे सोडियम नाइट्रेट ये एग्जांपल मुझे जरा एडिट करके आपके सामने दे दूं मैं कह रहा हूं जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का बेटे हम रिएक्शन कराते हैं सॉल्युबल साल्ट NaCl के साथ ठीक है बेटे ये जो है दोनों रिएक्शन ये दोनों जो साल्ट है दोनों ये बेटे सॉल्युबल साल्ट ये बेटे सॉल्युबल साल्ट जो सॉल्युबल साल्ट है हम उनके साथ फिजिकल फॉर्म एक्वा बनाते हैं Ag ठीक है अच्छा जब हमने दोनों को मिक्स किया तो एक्सचेंज ऑफ आयन सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड के साथ मिलकर ये बना देगा AgCl ठीक है सिल्वर क्लोराइड AgCl ठीक है और ये सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके बेटे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3 अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड फॉर्म है ये इनसॉल्युबल साल्ट है और ये सॉल्युबल साल्ट है तो यही कह रहे हैं कि जब दो सॉल्युबल साल्ट को आपस में मिक्स किया जाता है एक्सचेंज का आयन के नतीजे में एक इनसॉल्युबल साल्ट हासिल होता है दूसरा सॉल्युबल साल्ट तो ये यहां तक आपका सिलेबस है ठीक है साल्ट
टॉपिक में सिर्फ जो है उसका इंट्रोडक्शन ठीक है, और उसके अलावा उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उसके अलावा उनकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में 5 पैटर्न है, 4 सॉल्वेबल सॉल्ट्स के हवाले से और 8 इनसॉल्वेबल सॉल्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है बेटे, यहां तक आपका सिलेबस है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट और यूजेस ऑफ सॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटे आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और आप इसको जो है ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, और आपके सब जो सिलेबस में बेस्ट आ रहा है वो चैप्टर नंबर 9 में है। ठीक है बेटे, यहां तक चैप्टर 10 का सिलेबस है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।